अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल एएचए असिस्टेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट अपडेट आपके साथ शेयर करने लगी हूँ आज की मीटिंग के हवाले से। क्या आज की मीटिंग कैंसिल हो गई है, पोस्टपोन हो गई है या किस वक्त मुनक्किद की जाएगी? आज की मीटिंग में जो फैसले मुतवक्के थे, जो एक कंप्लीट लिस्ट तैयार की गई थी कि आज की मीटिंग में ये फैसले मुतवक्के हैं, उनके हवाले से क्या लेटेस्ट अपडेट्स हैं, वो तमाम इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। और जैसे कि आप जानते हैं कि एएचए असिस्टेंट्स हमेशा आपके साथ रियल और ऑथेंटिक न्यूज शेयर करता है, जो भी बात होती है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, क्लियर कट आपके सामने रख देता है ताकि आप खुद उसको डिसाइड कर सकें और खुद फैसला कर सकें। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि आज एक मीटिंग कंडक्ट होने के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज रिसीव हुई थी तमाम न्यूज चैनल्स पे, तमाम डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। आज की जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो यही थी कि आज एक मीटिंग कंडक्ट होगी जिसमें जो फैसले किए जाने वाले हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आज की एक हंगामी मीटिंग कॉल की गई थी। सो इस हवाले से क्या लेटेस्ट न्यूज़ है, क्या ये मीटिंग पोस्टपोन हो गई है या ये आज मीटिंग कंडक्ट होगी, इस हवाले से मैं आपको बताने जा रही हूँ। पर उससे पहले मैं आपको बताऊँ कि जैसे कि आप जानते हैं कि शफकत महमूद साहब कुछ टाइम पहले कोविड-19 का शिकार हो गए थे, उनका पॉजिटिव रिजल्ट आ गया था, पर अल्हम्दुलिल्लाह वो सेहत याब हो चुके हैं और उन्होंने अपना ट्वीट भी किया कि अल्लाह का शुक्र है कि नाउ ही इज फाइन। सो इसी हवाले से आज की मीटिंग की सदारत करने वाले थे शफकत महमूद साहब, पर अब तक इस वक्त तक कोई लेटेस्ट अपडेट्स रिसीव नहीं हुई। जस्ट यही न्यूज है कि आज मीटिंग कंडक्ट होगी और इसमें ये फैसले किए जाएंगे, पर ये मीटिंग किस वक्त होगी उसके हवाले से कोई लेटेस्ट अपडेट वसूल नहीं हो रही। ना ही मुरादराज साहब या शफकत महमूद साहब की तरफ से कोई ट्वीट किया जा रहा है कि आज की मीटिंग की क्या टाइमिंग है। जस्ट हम ये जानते हैं कि आज मीटिंग होगी कंडक्ट, पर किस वक्त होगी इस हवाले से अब तक कोई न्यूज नहीं आई। स्टूडेंट्स बार बार कॉमेंट्स में पूछ रहे थे कि आज मीटिंग किस वक्त होगी, क्या टाइमिंग है। सो इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई ताकि मैं आपको तमाम इन्फॉर्मेशन क्लियर दे सकूं, क्योंकि आप जानते हैं कि एएचए असिस्टेंट्स तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो आपसे रियल शेयर करता है, कुछ भी ढका छुपा नहीं होता। सो इसी सिचुएशन में इसके अलावा जो जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया में एग्जाम्स कैंसिल कर दिए गए और इवन के 10th और 12th के एग्जाम्स कैंसिल कर दिए गए, तो लाजमी कुछ प्रमोशन पॉलिसीज उन्होंने डेवलप की होंगी। तो क्या है वो प्रमोशन पॉलिसीज और किस तरह से उन्होंने प्रमोट कर दिया, पाकिस्तान में प्रमोशन क्यों नहीं पॉसिबल जबकि पाकिस्तान में भी थ्रू आउट द ईयर स्कूल्स कॉलेजेस बन रहे हैं, तलबा तलबात की पढ़ाई नहीं हुई और मैट्रिक और एफएससी ऐसे 2-4 साल होते हैं जो कि आपके आगे पूरे फ्यूचर इस पर डिपेंड करता है। तो ऐसी सिचुएशंस में स्टूडेंट्स के लिए कोई बेहतर फैसला करना एजुकेशनल मिनिस्टर्स का फर्ज है और हम तमाम लोग इसी पे नजर जमाए बैठे हैं कि कोई बहुत बेहतरीन फैसला आपके हक में सामने आए। जब तक के मीटिंग का कोई रिजल्ट नहीं आ जाता, कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं आ जाती, काइंडली आप तमाम फेक न्यूज से महफूज रहें कि प्रमोशन का फैसला हो गया है या इम्तिहानात कैंसिल हो गए हैं। सो स्टे ट्यून्ड टू माई चैनल ताकि जो भी लेटेस्ट न्यूज हो वो मैं आपके साथ शेयर करूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज।